हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओडिशा ट्रेडर्स चार्ट मास्टर ग्रुप। तो वेडनेसडे को एक्सपायरी था, एक्सपायरी डे में जो मूव्स देखने को मिला आप सब देखे होंगे। तो ये जो मूव मिला मेरे हिसाब से ये एक प्री बजेटरी मूव था, जिसमें कि अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में देखने को मिला है। तो ये एक पॉजिटिव सिंबल जैसा माना जाता है। बिफोर बजट इस टाइप का मूव डेफिनेटली आता है। इस हम लोग आपको भी एक कॉल दिए थे, छोटा सा कॉल 33 रुपीज़ का कॉल दिए थे, जो कि लगभग आपको 42,300 पी का कॉल दिया गया था। लगभग ये आपको 700 पार करते हुए आपको नज़र आया है। तो अगर आप इसमें ट्रेड किए हैं तो डेफिनेटली वर इन ए वेरी गुड प्रॉफिट। तो चलिए, वो सब तो ख़त्म हो गया। अभी फ्राइडे के लिए क्या मूव हो सकता है, यानी आज के लिए क्या मूव हो सकता है, ये वाला डिस्कशन कर लेते हैं। पहले अगर हम माइक्रो फैक्टर्स देखेंगे, डाउ जोन का मूव्स देखेंगे, तो 2 दिन से अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिलेगा मार्केट। मतलब डाउन तो ओपन हुआ है, लेकिन लास्ट एंड में रिकवरी हुआ है। और कल भी 200 पॉइंट का रैली देखने को मिला है। परसों आपको 100 पॉइंट्स का रैली देखने को मिला, मतलब थर्सडे को 100 पॉइंट्स का रैली देखने को मिला था, ठीक है, वेडनेसडे को। एंड थर्सडे को 200 पॉइंट, मतलब कल 200 प्लस पॉइंट्स का रैली देखने को मिला था। इसके चलते अभी SGX निफ्टी जो चल रहा है यहाँ पे 18,040 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो ओपनिंग होगा डेट कैन ओपन नियर 18,000, ठीक है। SGX निफ्टी के हिसाब से हमारा इंडियन मार्केट का जो ओपनिंग रहेगा 18,000 के आसपास ओपन मार्केट हो सकता है। तो इसके हिसाब से मुझे जैसे लग रहा है कि मार्केट में आज फिर से पॉजिटिवनेस दिखेगा, मतलब ज़्यादा नेगेटिव मूव नहीं होगा। तो पहला टारगेट हमारा जो रहेगा 18,000 का टारगेट हम रखेंगे, इसके बाद 18,079 एंड इसके बाद 18,156। तो मेरा अपसाइड जो टारगेट है, मैं पहले आपको बता देता हूँ, 18,020 का एक टारगेट रहेगा, देन 18,079, ठीक है, 79, एंड लास्ट टारगेट जो है 18,156। तो बजट के दिन तो डेफिनेटली सी में ही प्रॉफिट होगा, मैं आपको आज से बोल देता हूँ। तो ये 3 टारगेट आज के लिए आप रख के चलिए, ठीक है। जो जो लेवल्स पे आपको प्रॉफिट अगर हो रहा है उसी लेवल पे आप प्रॉफिट बुक करते चाहिए, क्योंकि प्री बजटरी मूवमेंट जो होता है, पहले थोड़ा गैप डाउन, मतलब थोड़ा बड़ा मूव हो जाता है डाउन साइड में, इसके बाद मार्केट धीरे धीरे कंसोलिडेट करता है अप टू बजट डे। तो यहाँ पे देखिए, अभी जो 1-2 दिन आपको मिलेगा यहाँ पे बड़ा मूव सबको देखने को मिलने का चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो मार्केट एक रेंज में मूव करेगा, एक लेवल के हिसाब से मूव करेगा, तो आपको इसके हिसाब से आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो निफ्टी के लिए जो अच्छा खासा भी सपोर्ट बन रहा है 17,800 एंड यही इसका सपोर्ट होगा। एंड बजट मुझे लग रहा है कि बजट के बाद मार्केट में फिर से तेजी आएगा, मार्केट कैन गो अप टू 18,900 और 19,000 भी जा सकता है, इसमें कुछ बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। तो बैंक निफ्टी का लिख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी सेम कंडीशन बना है, एक डबल बटन पैटर्न जैसा क्रिएट हुआ है। तो अगर बैंक निफ्टी का जो ओपनिंग होता है मेरे हिसाब से 41,870 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये जो लेवल है, इसी लेवल के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है, थोड़ा सस्टेन कर लेता है, तो हमें जो पहला टारगेट देखने में मिलेगा डेट विल बी 42,230 का टारगेट, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट 42,485 का टारगेट, देन 42,700 का टारगेट, देन 42,900। देखिए ये लो लेवल में क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट अभी प्री बजट का मूव पे है, तो धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन देखिए ये जो कंडीशन यहाँ पे बना है, मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे डाउनफॉल पे आया है, ये जो क्लीन कैंडल्स वगैरह बने हैं, तो ये डेफिनेटली ये कवर हो जाएंगे, ठीक है। इस टाइप का जो मूव होता है मार्केट में, मतलब इम्पल्सिव मूव, डैट डजन सस्टेन, ये सस्टेन नहीं करता। अगर मार्केट ऐसे ऐसे मूव करेगा, मतलब आपका पोजिशन बनाते हुए, स्ट्रक्चर बनाते हुए नीचे आएगा, तो दिस टाइप ऑफ मूव कैन सस्टेन, ठीक है। लेकिन ऐसे इंस्टेंट मूव जो होता है, दैट इज अगेन कवर्ड बाय द अपोजिट डायरेक्शन। तो मेरे हिसाब से मार्केट में बजट से पहले फिर से हमें 42,900 या 43,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए जो जो लेवल से मैं आपको बता दिया हूँ, इसी लेवल के हिसाब से आपको बाइंग करना है। ज़्यादा पी के लिए आज मत सोचिए, जो जो लेवल में आपको बताया हूँ, छोटा छोटा लेवल पर आप प्रॉफिट बुक करते जाइए,
अप टू बजट टाइम, क्योंकि बजट से पहले मार्केट में डेफिनेटली थोड़ा वोलेटिलिटी रहेगा, मार्केट एक रेंज में मूव करेगा, तो हमें बड़ा टारगेट यहाँ पे मिलने का चांसेस बहुत कम है। तो ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी का सिंपल सा एनालिसिस। आप सुनते रहिए, देखते रहिए और सीखते भी रहिए, इसके साथ साथ आपका प्रॉफिट भी करते रहिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एज वेल एज टेलीग्राम, सो दैट यू कैन गेट ऑल द अपडेट्स एंड वेरी गुड नॉलेज इन मार्केट कंडीशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।